नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप, यूट्यूब चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी, टेक्निकल वीडियोस, थ्योरेटिकल वीडियोस, प्रैक्टिकल वीडियोस, होम अप्लायंसेस की रिपेयरिंग की वीडियोस, लगभग 270 से ज्यादा वीडियोज अवेलेबल हैं। आप वो सभी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो रेजिस्टेंस पे है। इससे पहले भी मैंने दो तीन वीडियो रेजिस्टेंस पे बनाई हैं। दोस्तों, रेजिस्टेंस एक बेसिक कंपोनेंट है। दोस्तों, बेसिक कंपोनेंट का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल मामूली कंपोनेंट है। बेसिक का मतलब है दोस्तों कि वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस है, यानी कि जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं उनके बगैर हमारे सर्किट पॉसिबल ही नहीं है, बन नहीं सकते। यानी कि रेजिस्टेंस के बगैर कोई भी सर्किट आपका बनेगा नहीं, इसीलिए उसको बेसिक कंपोनेंट हम कहते हैं। दोस्तों, कई बार हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू के रेजिस्टेंस की जरूरत होती है। मान लीजिए मुझे 2 किलो ओम और हाफ वाट के रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, मुझे जरूरत है। मेरे पास दोस्तों 2 किलो ओम हाफ वाट का रेजिस्टेंस नहीं है। तब दोस्तों हम क्या करते हैं, हम कम्बिनेशन बनाते हैं सीरीज या पैरेलल करके। दो रेजिस्टेंस को या तो सीरीज करके कम्बिनेशन बढ़ाएंगे या दो रेजिस्टेंस को पैरेलल करके कम्बिनेशन बढ़ाएंगे। दोस्तों, सीरीज में करते हैं रेजिस्टेंस को तो रेजिस्टेंस ऐड होता है, बढ़ता है। पैरेलल में करेंगे तो रेजिस्टेंस दोस्तों कम होता है, उसमें लेस होता है। यानी कि 2 किलो ओम को अगर मैं पैरेलल में करूंगा तो 1 किलो ओम हो जाएगा, और 1 किलो ओम को सीरीज में करूंगा तो 2 किलो ओम हो जाएगा। इस तरीके से इनके कम्बिनेशन का ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। लेकिन दोस्तों, सीरीज में और पैरेलल करने से हमें पता है रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, लेकिन उसकी वाटेज पे क्या इफेक्ट आएगा। मान लीजिए हाफ वाट की दो रेजिस्टेंस है तो उनको अगर मैं सीरीज में करूंगा तो क्या वाटेज भी ऐड होगी, अगर उनको पैरेलल में करूंगा तो वाटेज ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी या कम होगी। तो इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस की वाटेज पे, यानी कि उसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट आता है अगर हम उसको सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन करते हैं, हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर जरूरत हो। तो मान लेते हैं कि मुझे एक रेजिस्टेंस की जरूरत है, और वो रेजिस्टेंस है दोस्तों आपकी यहाँ पे 2 किलो ओम हाफ वाट, 2 किलो ओम और हाफ वाट की रेजिस्टेंस की मुझे जरूरत है किसी सर्किट में, और मेरे पास जो अवेलेबल रेजिस्टेंस है, जो मेरे पास मौजूद है रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू है 1 किलो ओम और 1/4 वाट। हाफ वाट का मतलब दोस्तों वाट का आधा हिस्सा, 1/4 वाट का मतलब 1 वाट का चौथा हिस्सा, इसीलिए इसको 1/4 वाट बोलते हैं। मेरे पास अवेलेबल जो है 1 किलो ओम 1/4 वाट में है, और मुझे जरूरत है 2 किलो ओम और हाफ वाट में। तब मैं कैसे कम्बिनेशन बनाऊंगा इस रेजिस्टेंस का, सीरीज में कम्बिनेशन बनेगा। देखिए, दोनों रेजिस्टेंस को एक के बाद एक ऐसे हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ये भी 1 किलो ओम की है 1/4 वाट में, और दोस्तों ये भी आपकी 1 किलो ओम में है 1/4 वाट में। यानी कि 1 किलो ओम और 1 किलो ओम सीरीज में जो है रेजिस्टेंस ऐड होती है, तो जो इसका रिजल्टेंट जो नेट इसका इफेक्ट आएगा इन दोनों रेजिस्टेंस का जोड़ने के बाद, टोटल वैल्यू अगर हम इसकी मेजर करेंगे तो दोस्तों वो आएगी 2 किलो ओम, 1 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम सीरीज में ऐड होती है। तो क्या सीरीज में इनकी जो वाट है वो भी ऐड होगी? बिल्कुल सही। ये जो आपकी वाटेज है, ये वाटेज जो हैंडलिंग कैपेसिटी है, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है, ये भी आपकी ऐड हो जाएगी, और 1/4 और 1/4 जो है वो आपकी हाफ वाट होती है। दोस्तों 1/4 और 1/4 को अगर आप ऐड करेंगे तो वो हाफ वाट होती है। यानी कि अब मेरा जो रेजिस्टेंस इनका रिजल्टेंट जो टोटल रेजिस्टेंस का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या आएगा, 1+1 2 किलो ओम, 1/4 वाट प्लस 1/4 वाट। यानी कि अब जो मेरी जो रेजिस्टेंस की इफेक्टिव वैल्यू आई है वो 2 किलो ओम और हाफ वाट की है, जो मुझे रिक्वायरमेंट थी, जिसमें मेरी जरूरत थी। ये हाफ वाट कैसे हुआ, इसको आप ऐड कर सकते हैं, 1/4 प्लस 1/4, इसका 4 आएगा नीचे, 1+1 और ये आ गया 2/4, तो 1/2। ये हाफ वाट इस तरीके से आता है, इनको अगर ऐड करेंगे ना 1/4 प्लस 1/4, तो ये आपका 1/2 वाट आ गया है। अब जो है हमें फंडामेंटल क्लियर हो गया, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में लगा दें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐड हो जाएगी, और साथ में उनकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो भी ऐड हो जाएगी। यानी कि दोनों अगर 1 वाट 1 वाट की होती तो ये जो इफेक्ट आता है आपका दोनों का,
वो आपका 2 किलो ओम और 2 वाट आ जाता, यानी कि वाटेज भी यहाँ पे उनकी ऐड हो जाती, उनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी भी यहाँ पे ऐड हो जाती। अब इसको आगे समझते हैं कि पैरेलल में करें कम्बिनेशन तो क्या इफेक्ट आता है। तो दोस्तों अब हम इसको पैरेलल में समझने की कोशिश करें, उसके लिए मैं फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये मेरे को एक रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, वो है आपका 1 किलो ओम और आपका 1/2 वाट, ये मैं मान लेता हूं कि 1 किलो ओम 1/2 वाट की मुझे रेजिस्टेंस की जरूरत है। 1/2 वाट की बजाय मैं 2 वाट यहां पे कंसीडर करूंगा तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। मुझे 1 किलो ओम और 2 वाट के रेजिस्टेंस की जरूरत है दोस्तों, और मेरे पास अवेलेबल क्या है वो मैं बता देता हूं। मेरे पास मान लीजिए अवेलेबल है 2 किलो ओम और 1 वाट की रेजिस्टेंस मेरे पास है। 2 किलो ओम में 1 वाट की मुझे मेरे पास रेजिस्टेंस है अवेलेबल है, लेकिन मुझे जरूरत है 1 किलो ओम लेकिन 2 वाट की। अब कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा इसका? इसका कॉम्बिनेशन बनेगा दोस्तों पैरेलल में, क्योंकि रेजिस्टेंस मेरे पास ज्यादा वैल्यू की है और मुझे जरूरत कम वैल्यू की है तो पैरेलल में करूंगा। अगर मेरे पास रेजिस्टेंस कम वैल्यू की है और मुझे ज्यादा वैल्यू की जरूरत है तो सीरीज में कॉम्बिनेशन करेंगे। अब ज्यादा वैल्यू की मेरे पास है, कम वैल्यू मुझे बनाना है इसको, तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन करूंगा। एक रेजिस्टेंस का जो एक एंड है उसको दूसरे के दूसरे एंड से, और इस तरीके से जो ये आपका कॉम्बिनेशन होता है दोनों रेजिस्टेंस का, वो दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये मेरे पास 2 किलो ओम और ये भी 2 किलो ओम, तो दोनों जो हैं यहां पे कम हो जाएंगी, 1/2 हो जाएंगी। पैरेलल में अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे दोस्तों तो ये यहां पे आपका रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, वो यहां का 1/2 हो जाएगा। अगर 3 रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल में कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा, तीसरा हिस्सा इस रेजिस्टेंस का हो जाएगा अगर सेम वैल्यू की है। अगर सेम वैल्यू की नहीं है तो वो फॉर्मूले से हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। 2 किलो ओम की और 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कर दें तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा दोस्तों, यहां पे हम अगर नापेंगे मेजर करेंगे तो ये दोस्तों आएगा आपका यहां पे 1 किलो ओम, 1/2 हो जाएगा। सीरीज में होता तो ऐड हो जाता, डबल हो जाता, पैरेलल में है तो 1/2 हो जाएगा। 2 किलो ओम का 2 किलो ओम का जो 1/2 रहेगा वो 1 किलो ओम रहेगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 किलो ओम। ये रेजिस्टेंस है दोस्तों मेरी 1 वाट की, ये भी मेरी 1 वाट की है, तो इफेक्टिव वाटेज क्या रहेगी दोस्तों, रेजिस्टेंस 1/2 हो जाएगा लेकिन यहां पे वाटेज फिर भी ऐड होगी, जुड़ जाएगी और वो हो जाएगी मेरी 1 वाट और 1 वाट 2 वाट। अब ये जो रेजिस्टेंस है हमारी, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है और इफेक्टिव जो वाटेज है वो आपकी रहेगी 1 किलो ओम और 2 वाट। जो 1 किलो ओम 2 वाट का रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट रहेगा, जो उसकी वैल्यू होगी वो आपकी यहां पे इसके इक्विवेलेंट होगी, रेजिस्टेंस 1/2 हो जाएगी, वाटेज ऐड हो जाएगी। यहां से हमारे को एक बात दोस्तों क्लियर हुई है कि हमारी जो रेजिस्टेंस सीरीज में हमारी बढ़ती है, पैरेलल में हमारी रेजिस्टेंस 1/2 हो जाती है, लेकिन वाटेज दोनों ही केस में बढ़ती है, यानी कि उनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो दोनों ही केस में ऐड होती है। ऐसा क्यों होता है उसको मैं यहां पे समझने की कोशिश करता हूं। ये देखिए दोस्तों, जो पावर होती है, चाहे वो आपकी पावर हो, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी हो या पावर लॉस हो, किसी भी आप इसको संदर्भ में देख सकते हैं, लेकिन पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो होती है वोल्टेज गुणा में करंट, यानी कि पावर जो है यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज और करंट के। यानी कि पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो या तो वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाऊं मैं, या फिर उसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाऊं। यानी कि अगर इफेक्टिव वोल्टेज बढ़ेगी तो भी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इफेक्टिव जो है आपका करंट हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो भी आपकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। सीरीज में दोस्तों वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ती है, ये V1 और V2 है, तो टोटल जो वोल्टेज रहेगी वो V1 प्लस V2, टोटल वोल्टेज रहेगी वो आपकी सीरीज में V1 प्लस V2 वो है टोटल वोल्टेज आपकी रहेगी, यानी कि यहां पे वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ती है। पैरेलल में दोस्तों आपका जो है करंट हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ती है, ये देखिए टोटल जो करंट है I वो आपका I1 प्लस I2, टोटल करंट क्या रहेगा
यहां से करंट गया वो प्लस यहां से करंट गया वो भी, यानी कि पैरेलल में करंट हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, सीरीज में वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन पावर दोनों ही केस में, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी दोनों ही केस में बढ़ेगी, क्योंकि वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ने से भी पावर बढ़ेगी, करंट हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ने से भी आपकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो आप रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करें या पैरेलल में उनको आप जो है डिवाइड करें, दोनों ही केस में उन रेजिस्टेंस की जो वाटेज है वो जुड़ जाएगी। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ती है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होती है, ये आपको पता है। तो इस तरीके से आप जो है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं दोस्तों। इसके बाद भी मैं रेजिस्टेंस के ऊपर काफी सारे वीडियोस लेके आता रहूंगा दोस्तों, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है बेसिक जरूर है, लेकिन रेजिस्टेंस के अंदर भी काफी कुछ हमारे को सीखने को और गेन करने को मिलता रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।